अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुल खालिक अटक और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेटिज़म देख रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मिनासिट सिरप हम बच्चों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए जी, ये लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं कि बच्चों को देना ठीक है या ठीक नहीं है, तो इसका जवाब सीधा साधा जवाब है। और वो सीधा साधा जवाब ये कि ज़्यादातर मैं आपको बताऊँगा कि 90% और 95% बच्चों में स्टमक का मसला होता ही नहीं है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जहाँ तक हमने देखे हैं, तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मोस्टली बच्चों को मैदे का मसला होता नहीं है। ना बच्चों को मैदे में जलन होती है, न दर्द होती है, न तकलीफ़ होती है। हाँ, दर्द और तकलीफ़ हो सकती है उस सूरत हाल में अगर वो ऐसी कोई सख्त चीज़ खाए या ऐसी कोई चीज़ खाए या उल्टियाँ करे, तो उनकी वजह से उसको हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है ना, बच्चों को मैदे में जलन वगैरह या मैदे में का मसला नहीं होता है। लिहाजा इस किस्म का कोई मसला होता तो आप लोग उसको दे सकते हैं, वो भी उस सूरत हाल में दे सकते हैं कि उसका आप लोगों ने डोज़ देखना है, यानी बच्चे की उम्र देखनी है कि बच्चे की उम्र कितनी है, उसी के मुताबिक अगर बच्चे को मैदे में दर्द है, जलन है, तकलीफ़ है, तो उस सूरत हाल में आप लोग दे सकते हैं। मतलब है कि देना कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।